नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। इस वीडियो में कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र खंड खा से अध्याय नंबर 2 राष्ट्रीय आय लेखांकन का वीडियो नंबर 4 मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व, राष्ट्रीय आय के अध्ययन का क्या महत्व है, इससे किसी देश को, किसी प्रदेश को क्या लाभ होता है, इसके विषय में चर्चा की जाएगी। तो इसमें नंबर 1 आता है अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्रण। अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्रण, अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्रण से संबंध राष्ट्रीय आय के अनुमान एक अर्थव्यवस्था का वास्तविक और स्पष्ट चित्र खींचते हैं, जिससे पता चलता है कि आय किस प्रकार खर्च की जाएगी, कैसे उसका करों में भुगतान किया जाएगा तथा लोगों द्वारा किस प्रकार बचाई जाएगी, यानी जो आय है वो किस प्रकार से बचाएगा। तो राष्ट्रीय आय के अध्ययन के महत्व में अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्रण होना नितांत आवश्यक है। नंबर 2 है भैया आर्थिक प्रगति का सूचक। नंबर 2 है आर्थिक प्रगति का सूचक है। आर्थिक प्रगति के सूचक से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े किसी देश की आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं। उनके द्वारा उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में घनिष्ठ संबंध होता है। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का यानी घनिष्ठ संबंध जो है पाया जाता है। नंबर 3 में आता है जीवन स्तर का ज्ञान। राष्ट्रीय आय से जीवन स्तर का ज्ञान हो जाता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े हमें किसी देश के निवासियों के रहन सहन के स्तर के बारे में ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। वास्तव में प्रति व्यक्ति आय व रहन सहन के स्तर के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। किसी देश के निवासियों के प्रति व्यक्ति आय औसत आय जितनी अधिक होगी वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उतना ही ऊंचा होता। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस देश में लोगों की आमदनी ज़्यादा होगी वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, वहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, वहाँ पर भोजन भी अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। इसके विपरीत जिन देशों के लोगों की आय कम होगी या जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी नहीं होंगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, यातायात के साधन अच्छे नहीं होंगे, जैसे संचार की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी और भोज्य सामग्री भी यानी जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी। तो जीवन स्तर का ज्ञान होता है राष्ट्रीय आय के अध्ययन से। यानी यदि राष्ट्रीय आय बढ़िया है तो जीवन स्तर अच्छा है, राष्ट्रीय आय खराब है यानी कम है तो जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा। आर्थिक नीति का ज्ञान, नेक्स्ट बिंदु भैया, राष्ट्रीय आय का ज्ञान। राष्ट्रीय आय के ज्ञान से क्या तात्पर्य? राष्ट्रीय नीति का ज्ञान है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े समष्टिवादी आर्थिक विश्लेषण और नीति निर्धारण के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ये आंकड़े सरकार की आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण आधार का कार्य करते हैं। जैसे सरकार द्वारा तटकर आयकर तट का मतलब होता है
जो हमें बंदरगाहों से आय प्राप्त होती है। जैसे भारत में 200 बंदरगाह हैं, इसमें से 11 बड़े बंदरगाह हैं। तो जो तट का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु यानी इस तट से बाहर जाती है या तट के अंदर आती है तो उस पर सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है उस पर, या तो सरकार कर लगाती है। तो जैसे सरकार द्वारा तट कर है, आयकर, आयकर का मतलब होता है व्यक्तियों की आमदनी पर ये जो है टैक्स लगाया था, आदि अन्य करों को लगाया जाना, उद्योगों को संरक्षण एवं सहायता देना, मजदूरी आदि की दरों को निर्धारण करना, इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश की सरकार अपनी साख मुद्रा निवेश रोजगार एवं बजट संबंधी नीति निर्धारण का राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि उस देश की जितनी आर्थिक आय होगी या उसकी जितनी राष्ट्रीय आय होगी उसी हिसाब से वो उद्योगों को संरक्षण प्रदान करेगा, सहायता देगा, उसी हिसाब से लोगों को जो है मजदूरी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त साख भी उसी हिसाब से बनेगी, मुद्रा बैंकिंग ये सब उसी हिसाब से लगाया जाता है जिस हिसाब से उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। अब राष्ट्रीय आय का वितरण है भैया, नंबर 5 में है राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण देखा, राष्ट्रीय आय का वितरण, राष्ट्रीय आय के अनुमानों को देखकर यह जाना जा सकता है कि मजदूरी, ब्याज, लगान एवं लाभ आदि आय की श्रेणियों में राष्ट्रीय आय को किस प्रकार बांटा गया है। अब देखिए बेटा, जो राष्ट्रीय आय होती है उसी से मजदूरी, जो लोग मजदूरी करते हैं मजदूरी उनको मिलती है, जो हम कर्ज लेते हैं उसी हिसाब से उनको ब्याज दिया जाता है, उसी में से लगान है जो भूमि होती है, और लाभ, लाभ जो शेष बचता है वही लाभ कहलाता है। नेट बिंदु आपका आता है विकास योजना का आधार, नंबर 6 है विकास योजना का आधार। राष्ट्रीय आय जो होती है वो विकास योजना का आधार होती है। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के आर्थिक नियोजन के महत्वपूर्ण अस्त्र हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़े, आंकड़ों के आधार पर ही हम उस देश की विकास क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। ये आंकड़े आर्थिक विकास की योजना बनाने, लक्ष्य निर्धारण करने तथा साधनों को जुटाने में सहायक होते हैं। अब देखिए, विकास योजना का आधार, जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े होते हैं वही विकास योजना का आधार बनते हैं। जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, तो 5 वर्ष में हमें खेती में क्या विकास करना है, 5 वर्ष में हमें औद्योगिक क्षेत्र में क्या विकास करना है, जिस हिसाब से हमारे पास आय के आंकड़े होंगे उसी हिसाब से हम हर क्षेत्र में विकास करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का स्वास्थ्य हो, यातायात का स्वास्थ्य यानी क्षेत्र हो, यानी जो भी क्षेत्र होते हैं राष्ट्रीय आय पर ही जो है विकास की योजना बनाई जाती है। योजना बन जाए, जब तक धन उपलब्ध नहीं होगा, देश को लाभ नहीं होगा, देश को आय नहीं होगी, तब तक विकास होना संभव नहीं होता है। अब बेटा अगला बिंदु आता है बजट का आधार, नंबर 7 है बजट का आधार। राष्ट्रीय आय बजट का आधार होते हैं। आज सरकारों द्वारा बजट की रचना राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। कर लगाने तथा ऋण वापस लेने से संबंधित नीतियां भी इस प्रकार अपनाई जाती हैं जिससे आय के उतार चढ़ाव से छुटकारा पाया जा सके। यानी ऐसी नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं जिसमें आय का ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। जैसे टैक्स लगाया गया तो टैक्स जो है
एक बार लगा दिया गया फिर वो कई सालों तक चलता रहता है, उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब बेटा है राष्ट्रीय व्यय का अनुमान, नंबर 8 है राष्ट्रीय व्यय का अनुमान। तो जो राष्ट्रीय आय का अध्ययन है इसमें राष्ट्रीय व्यय का भी अनुमान लगाया जाता है, जो आंकड़े होते हैं उन्हीं के आधार पर कि यानी जो है तो कितनी हमारी आय हुई है और हम जो है कितनी व्यय करें कि देश का विकास हो, देश घाटे में ना जो है पहुँचने पाए। तो इस जो है मतलब जो है तो प्रकार से राष्ट्रीय आय की ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे इनके विषय में हमने चर्चा की और इस जो है प्रकार से ये लेसन हमने जो है समाप्त किया। अगले वीडियो में अगला लेसन लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।